अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेरवानी के पाकिस्तान के साथ उसामा खान शेरवानी आपकी खिदमत में एक बार से फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही खट्टी मीठी होने वाली है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे माल्टों का बाग है और यहाँ पर ताज़े और खट्टे मीठे और रसीले माल्टों के बाग में मैं मौजूद हूँ। मैं ज़िला सरगोधा में मौजूद हूँ क्योंकि ज़िला सरगोधा के जो माल्टे हैं वो पूरी दुनिया में एक अपनी पहचान रखते हैं और अपना नाम रखते हैं। कितने एकड़ पर फसल लगाई जाती है, यहाँ के जो किन्नू हैं या यहाँ के जो फ्रूटर हैं वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, आने वाली वीडियो में आपको दिखाएँगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, शाहज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में इतनी अच्छी फसल तैयार की, माल्टों के बाग के ऑनर हैं। इनसे पूछते हैं कि कितने रकबे पर इन्होंने जो माल्टों के बाग हैं वो लगाए हैं, कितने अरसे में फसल तैयार होती है। शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि कितना बाग आपका यहाँ टोटल कितने रकबे पर लगा हुआ है? 10 एकड़ में बाग लगा हुआ है हमारा और 1 किले में तकरीबन 800 बूटा लगाते हैं हम, और 1 किला जो है वो तकरीबन हमारा 2 लाख का बिकता है सालाना। तो इस हिसाब से ख़र्चा तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख हमारा ख़र्चा हो जाता है। और ये बताएगा कि ये जो बाग है ये कितने अरसे में तैयार होता है? बाग तकरीबन एक उसकी जो बूटा है वो 3 साल में फसल देना स्टार्ट कर देता है, अपनी मतलब माल्टा बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, मैंने ये देखा कि हमारा जो सरगोधा का जो माल्टा है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी क्या वजह है, कौन सी क्वालिटी है ये और कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट होता है? जी, ये एक्सपोर्ट तो बहुत कंट्री में होता है। असल तो ये सौगात जो है वो माल्टा की है, माल्टा एक कंट्री है, वहाँ से ये आया था हमारे, मतलब वहाँ से उस टाइम कोई लाया होगा जिसने यहाँ पर लाया। और असल में पहले ये जो हुई थी ना फसल वो हुई थी गुलापुर, ज़िला सरगोधा की एक छोटा सा गांव है, मतलब मटीला, गुलापुर, कोट मोमन, ये जो जगह है यहाँ पे माल्टे की स्टार्ट हुए थे उस टाइम। तो बस देखिए, इस माल्टे की खासियत ही ऐसी है इस फ्रूट की कि हर बंदा शौक से खाता है, मीठा है और सदियों के एक सौगात है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि सरगोधा का माल्टा इसलिए मशहूर है कि जो यहाँ की ज़मीन है वो बहुत मौजू है माल्टे की फसल के लिए। यहाँ की ज़मीन में एक मिठास है और एक थोड़ी सी खटास है जो किन्नू को मीठा करती है। जबकि हमने देखा कि यहाँ पर जो फ्रूटर है या यहाँ का जो मौसमी है वो भी बड़ा मशहूर है। अभी जो है वो सीज़न है मौसमी का, क्योंकि मौसमी का जो सीज़न रहता है वो 15 से 20 दिन सीज़न रहता है या महीना रहता है, उसके बाद फ्रूटर शुरू हो जाता है और जनवरी के जो एंड है या जनवरी के मिड से लेकर मार्च अप्रैल तक जो है वो किन्नू की फसल रहती है, और जैसे जैसे धुंध पड़ती है किन्नू उतना उतना मीठा हो जाता है। अच्छा शाहज़ेब, मुझे बताएं इतनी सी कम उम्र में आप कामयाब बिजनेसमैन बने, इसकी क्या वजह है? बस पढ़ाई का शौक नहीं था तो अपनी ज़मीन थी तो सोचा यही कर लें, उसमें फिर माशाल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी और वही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे जो नौजवान हैं उनको ये बताएं कि वो कितने पैसे से वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर उन्होंने किन्नू की फसल लगानी हो या बाग लगाना हो, या अगर उनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो इस कारोबार में आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं? उसके लिए ज़मीन ठेके पर मिलती है, वो बंदा ले ले, वो
हर इलाके का अलग एक रेट होता है, जैसे हमारे इलाके में 45,000 50,000 एकड़ का है, तो उस हिसाब से तकरीबन एक इतना मैक्सिमम खर्चा कोई नहीं है। एक किले पे बंदा 1.25 लाख 1.5 लाख खर्चा है, एक किले पे बंदा लगा सकता है आराम से उसे, उसका वो प्रॉपर जो उसकी होती है मतलब वो क्या कहते हैं फसल, और साथ वो जो होती है उसकी जो पौधा है उसकी ना पौधा नहीं क्या देते हैं इसे खाद वगैरह, जो हम खाद वगैरह देते हैं वो उसका वो तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख तक ना वो एक किला तैयार हो जाता है। लेकिन अच्छा शाहजेब, जैसे आपने बताया कि जो एक माल्टे का बाग है वो 3 साल में तैयार होता है, तो एक मेरे जैसा बंदा 3 साल तक वो कैसे अफोर्ड करेगा, उसका ठेका देना पड़ेगा और 3 साल बाद फसल तैयार होगी। एक जो बाग का पौधा हमने 3 साल में तैयार हुआ वो कितने साल तक फल देता रहता है? उसका एक अपना होता है, जैसे कि उसकी खाद वगैरह हम प्रॉपर देते रहें तो वो काफ़ी टाइम चल जाते हैं, मतलब 8 साल 9 साल। अगर आपकी खाद वगैरह सही नहीं है तो पानी आप ना दे तो सूख जाता है। ऐसा एक पौधा है जो सूख जाता है, आपको इस प्रॉपर इसकी डाइट मतलब जो है वो ना दे तो ये सूख जाता है, तो सूखने के बाद ऑब्वियसली आपको ये फेंकना पड़ेगा उखाड़ के, फिर नया बूटा लगाएगा। बिल्कुल। तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जो माल्टे के पौधे हैं वो कुछ फासले पर लगाए जाते हैं, ये नहीं है कि साल बाद सिर्फ आपने माल्टे की फसल ही उठानी है, जो बाकी ज़मीन है बाकी जगह है वहाँ पर आप गंदम लगा सकते हैं साल के साल, वहाँ पर आप मकई लगा सकते हैं, वहाँ पर दूसरी चीज़ें भी लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ साल बाद आप माल्टे की किन्नू की मौसमी की और फ्रूटर की फसल भी उठा सकते हैं। शाहजेब हमारे साथ हैं जो आजकल के नौजवानों के लिए एक चराग की मानिंद हैं, एक आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने छोटी उम्र में अच्छा कारोबार स्टार्ट किया, और ये बिल्कुल उन्होंने सच बोला कि अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो बिज़नेस की तरफ आएँ, अगर आप छोटी उम्र में बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आगे जाकर एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और मुनाफा बख्श कारोबार कर सकेंगे। शेरवानी के पाकिस्तान से उसामा खान शेरवानी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।